खबर की ओर और बात करते हैं बलरामपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर शिक्षकों की कमी के चलते एक स्कूल 20 दिनों तक एक स्वीपर के हवाले चल रहा है। तो करते हुए अगली खबर की ओर, जहां कोंडा गांव में एडिशनल एसपी ने यहां नेशनल हाईवे 30 पर सड़क के किनारे संचालित शासकीय बैंकों के प्रबंधकों की मीटिंग ली, जिसमें बैंकों में सुरक्षा मानकों और बैंकों के सामने पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देश किया, और साथ ही बैंकों और एटीएम में लगे सीसीटीवी और गार्ड के सुरक्षात्मक दिशा में निर्देश दिए गए, जिससे आए दिन होने वाली वारदातों को नियंत्रित किया जा सके। बैठक में बैंक में सुरक्षा के संबंध में दल जारी किया गया है कि सभी बैंकों में सुरक्षा गार्ड हैं, सीसीटीवी लगे हैं, और अन्य जो सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया जाने के संबंध में सभी बैंक अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ बैंक के सामने में ट्रैफिक की समस्या होती है पार्किंग को लेकर, तो उस पार्किंग को लेकर भी चर्चा हुई है और उनको पार्किंग व्यवस्था बनाए जाने के लिए निर्देशित किया। झांसी मंडल के डीआरएम संदीप